हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत से कमेंट आते रहते हैं कि भैया हमें बताइए कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल पावर में क्या क्या डिफरेंस होता है। हाँ फ्रेंड्स, क्या आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास है एक स्फेरिकल पावर और एक है सिलेंड्रिकल पावर लेंसेज। हाँ तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि स्फेरिकल लेंसेज और सिलेंड्रिकल लेंसेज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और स्फेरिकल लेंस मतलब क्या होता है और सिलेंड्रिकल लेंस मतलब क्या होता है। हाँ फ्रेंड्स, क्या हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं और जो कस्टमर्स आते हैं, वो हमसे बहुत से बार कमेंट में या फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जो पावरफुल वीडियो है बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल बताऊंगा ही नहीं कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंसेज क्या होते हैं, विद प्रूफ भी देखूंगा कि क्या होता है स्फेरिकल लेंस और क्या होता है सिलेंड्रिकल लेंस। अगर आप लोग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पासवर्ड मेरे आइकन प्रेस करना, कि हम लोग इस तरीके के नॉलेजेबल कंटेंट चश्मों से संबंधित इस चैनल पे लाते रहते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना भाई का नाम जान लूँ। मेरा नाम है यश राठौर और आप लोग देख रहे हैं किंग ऑप्टिकल। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, एक मेरे हाथ में है स्फेरिकल पावर और ये है मेरे हाथ में सिलेंड्रिकल पावर। हाँ तो फ्रेंड्स, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में क्या डिफरेंस है ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो मैं दोनों के रैपर्स निकाल लेता हूँ। ये है मेरे हाथ में स्फेरिकल पावर, तो मैं इसका रैपर निकाल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है स्फेरिकल पावर और ये है मेरे हाथ में एक सिलेंड्रिकल पावर, तो इसका भी रैपर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है प्लस 5 पावर और ये माइनस 2.5 मतलब 2.50 पावर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्फेरिकल जो होता है वो इस तरह से होता है, मीन्स जो इसके जो कोने होते हैं वो सब जगह से एक तरीके होते हैं। हाँ फ्रेंड्स, क्या ये जो आप देख सकते हैं कि जो स्फेरिकल जो लेंस है, इसके जितने भी कोने हैं ये सब प्रकार से एक जैसे ही है, मतलब चारों तरफ से एक जैसे ही कोने होते हैं। वो जो सिलेंड्रिकल जो लेंस होता है, इसमें कहीं से आप लोग देख सकते हैं, ये इस जो सिलेंड्रिकल लेंस है हमारे पास, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कहीं से जो इसके कोने हैं वो पतले होते हैं और कहीं से वो जो कोने हैं इसके वो मोटे होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या इसमें मेजरली एक ये डिफरेंस होता है कि जो स्फेरिकल लेंस है उसके जो कोने हैं वो एकदम पतले सब जगह एक जैसे होते हैं, वो इसमें कहीं मोटे हो कहीं पे पतले होते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया चश्मे में लगने के बाद हमें कैसा पता चलेगा कि कोने मोटे कौन सा है, कौन सा स्फेरिकल है, कौन सा सिलेंडर। तो रुको, कुछ नहीं करना, मैं आपको दिखाता हूँ। जब स्फेरिकल लेंसेज से आप देखते हैं तो मैं आपको सिंपल से दिखाता हूँ, तो आपको वैसा ही दिखता है जैसा दिखता है, देखो देख सकते हैं आप, आपको मैं ऐसा ही दिख रहा होऊंगा। पर और हम लोग इसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे हम लोग ये स्फेरिकल लेंस है, तो इससे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग कितना भी घुमा लीजिए आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं आ रहा होगा। हाँ फ्रेंड्स, क्या ऐसा ही दिख रहा होगा। पर वहीं पर अगर हम लोग सिलेंड्रिकल लेंसेज की बात करें तो मैं आपको इससे दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इससे मैं आपको जैसे ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे कि मैं जैसे ही इसे गोल घुमा रहा हूँ तो मेरा चेहरा भी आड़ा टेढ़ा हो रहा है। हाँ फ्रेंड्स, क्या ये हो रहा है, मेरा चेहरा भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो यही होता है सिलेंड्रिकल लेंस, मीन्स स्फेरिकल लेंस जो होता है वो सिंपल लेंस होता है बिना किसी डिग्री वाला, और सिलेंड्रिकल जो लेंस होता है उसमें डिग्री लगती है, 180 90 वगैरह जो आंखों की डिग्री रहती है वो लगती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिग्री क्यों, इसमें बिना डिग्री क्यों, तो आपको बता दूं, डिग्री वाला नंबर मतलब किसी का सर दुखना, आंसू आना और लाल आँख होना, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए डिग्री वाला नंबर रहता है, और जिस दूर का सिंपल सा कम दिखता है उसके लिए स्फेरिकल लेंस होता है। तो अगर आपके फ्रेंड को स्फेरिकल पावर है तो वो बिना डिग्री का होता है, वो जो सिलेंड्रिकल पावर है उसमें डिग्री होती है। तो अगर आप लोग इसे पूरा घुमा के देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऊपर नीचे दिखती है, वो स्फेरिकल लेंसेज में आपको ऐसा कैसा ही दिखता है। तो ये मेन डिफरेंस है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंसेज में। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, जहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को कवर किया जाए। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट में पूछते थे कि स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंसेज में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलें, और आपको चश्मों से संबंधित कोई भी वो नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हाँ फ्रेंड्स, और क्या वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल किंग ऑप्टिकल पे एक गिव अवे चल रहा है। अगर आप लोगों ने उस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो अभी मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, कबीर सिंह सनग्लासेस का गिव अवे चल रहा है। हाँ फ्रेंड्स, तो क्या उस वीडियो में जल्दी से जल्दी जाकर उस वीडियो को लाइक कीजिए, तो वो नीचे अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आपकी गिव अवे में जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।